हेलो एवरीवन आई एम रुक्मणी शर्मा एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स दिस इज साइंस चैप्टर ऑफ क्लास सेवेंथ सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को तो चलिए शुरू करते हैं आज Action की नंबर वन विच वेसल कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसे कौन सी वेसल कैरी करती हैं वो होती है आर्टरीज आर्टरीज ये नाम याद रखिए वेंस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाती हैं और आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड उसे आप ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं वॉट हैपन्स वैन यू गैट ए कट ऑन योर बॉडी क्या होता है जब आपकी बॉडी में कट लग जाता है ब्लड फ्लोज आउट खून बाहर बह के आता है वैन वी गेट ए कट ऑन आवर बॉडी वॉट डर द सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली क्या क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ये दो याद रखिए बस वॉट इज एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन क्या होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी बॉडी में वेस्ट uh, होता रहता है सेल्स डिजेनरेट uh, होते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होता है उसको ही हटाने को बॉडी से बाहर निकालने को एक्सक्रीशन रहते हैं आप जानते हैं जो आप यूरिन uh, करते हैं स्वेट आपको आता है ये सब एक या आप जब ब्रीद आउट करते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है ये सब के सब एक्सक्रीशन के पार्ट होते हैं ये एक्सक्रीशन एक्सक्रेटरी सिस्टम से ही पॉसिबल होता है वॉट इज कॉल्ड पल्स रेट पल्स रेट किसे कहते हैं द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट भाई इतना याद रखिए कि पर मिनट आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है उसे ही पल्स रेट कहते हैं वॉट सिस्टम रिमूज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी हमारी बॉडी का वेस्ट कौन सा सिस्टम हटाता है वो है एक्सक्रूटरी सिस्टम रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी व्हाट इज द फ्लूड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड ब्लड में जो फ्लूड होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं प्लाज्मा वॉट डज ह्यूमन स्वैट कंटेन स्वैट का मतलब होता है पसीना ह्यूमन स्वेट में क्या क्या होता है द स्वेट कंटेन्स वाटर दो चीज़ें होती हैं वाटर एंड सॉल्ट्स वॉट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोम फ्लॉम का फंक्शन क्या होता है फ्लोम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट फ्लोम फूड ले जाता है कहाँ से लीव्स से कहाँ लेके जाता है प्लांट्स के सभी बाकी हिस्सों में विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इसके बोलने के लिए आपको इस बड़े से वर्ड के तीन चार पीस कर लेने चाहिए पहला है ये इस फाइग, इस फाइग, इस फाइ अब मो जोड़िए इस फाइग मैनो मीटर तो क्या बना इस फाइग मो आई थिंक समझ में आ रहा है आपको इस्फाइगमो मैनोमीटर मैनोमीटर ये होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जिससे ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं नेम द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस ह्यूमंस में जो सबसे मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट वो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ बाहर निकलती है वो कौन सी होती है द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया वो होता है यूरिया वॉट इज हिमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या होता है रेड ब्लड सेल जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं आर बी सी विच कंटेन ए रेड पिगमेंट इन रेड ब्लड सेल्स में एक रेड पिगमेंट होता है उसे ही हिमोग्लोबिन कहते हैं विच वेन्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड वो कौन सी वेन्स है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है वैसे सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं लेकिन एक ही वेन ऐसी है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है और ये है पुलमोनरी वेन और साथ में मैं तुम्हें यही बता दूँ पुलमोनरी आर्टरी होती है सारी आर्टरी लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकिन जो पुलरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स ये लंग्स से लेके जाती है हार्ट तक वॉट मेक द ब्लड लुक रेड ब्लड किसकी वजह से रेड दिखता है ब्लड कंटेन से रेड पिगमेंट ब्लड में एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं विच गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर उससे ही ब्लड को रेड कलर मिलता है हाउ मच यूरिन डज एन एडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली पास इन ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स में एक आदमी कितना ब्लड कितना यूरिन पास करता है एन एडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली पासज अबाउट वन पॉइंट एट लीटर ऑफ यूरिन इन ट्वेंटी फोर आवर्स लगभग वन पॉइंट एट लीटर यूरिन पास करता है एक आदमी ट्वेंटी फोर आवर्स में ये एक टेंटेटिव फीगर uh, है यहाँ पर क्योंकि ये एक्चुअली डिपेंड करता है वाटर के इंटेक पर अगर आप ज़्यादा वाटर ले रहे हैं तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है कम लेते हैं तो वो काफ़ी कम हो जाती है वोट डज यूरिन कंसिस्ट ऑफ यूरिन में क्या होता है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरिन कंसिस्ट ऑफ नाइन्टी फाइव परसेंट तो उसमें वाटर होता है टू पॉइंट फाइव परसेंट यूरिया होता है टू पॉइंट फाइव परसेंट दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वॉट इज अ टिशू टिशू क्या होता है अ टिशू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स ये सेल्स का वो ग्रुप होता है देट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्पेशल फंक्शन करते हैं वॉट इज वॉट इज नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट होता है वो क्या होता है ए रेस्टिंग पर्सन यूजअली है ए पल्स रेट बिटवीन सेवेंटी टू एंड एटी बीट्स पर मिनट नॉर्मल रेस्टिंग पल्स है मतलब है जब आदमी रेस्ट की पोजीशन में होता है क्योंकि अगर आप तेज दौड़ रहे हैं काम कर रहे हैं तो पल्स रेट बढ़ जाता है वॉट इज द फंक्शन ऑफ वेंस वेंस का फंक्शन क्या होता है वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू दार्ट जो वेंस होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के पार्ट से हार्ट में लेके जाती है वाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्स इन वेंस वेन्स में वॉल्स का फंक्शन क्या होता है देर आर वॉल्स प्रजेंट इन वेन्स वेंस में वॉल्स होते हैं विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूअ द हार्ट जो हेल्प करते हैं कि ब्लड हार्ट की तरफ ही बहे कितने इंपॉर्टेंट हैं ये? अब चलिए शॉर्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं वेयर इज हार्ट लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में हार्ट कहाँ पर होता है द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी चेस्ट कैविटी में हार्ट होता है विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टिल द लेफ्ट और जो इसकी नीचे की टिप होती है वो हल्की सी झुकी हुई होती है लेफ्ट साइड में टिल्टेड का मतलब है झुकी हुई होना वॉट इज द फंक्शन ऑफ पलमोनरी आर्ट्री पलमोनरी आर्टी का काम क्या है ये मैंने अभी आपको बताया भी था सारी आर्ट्री तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लेकिन पुलमोनरी आर्ट्री देखते हैं क्या लेके जाती है पुलमोनरी आर्टी कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड याद रखिए पुलमोनरी जुड़ेगा तो ये आएगा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स राइट वेंट्रिकल से नीचे का जो आर्ट का पार्ट होता है वो चार भागों में बटा हुआ होता है तो ये फोर चैम्बर्स होते हैं तो ये राइट वेंट्रिकल होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाती है वॉट आर द एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए हमेशा ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स यानी कि पार्ट्स कौन से हैं एक्सक्रिटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टू किडनी टू किडनी होती हैं टू यूरेटर्स होती हैं जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपके ये बीन की शेप की दो किडनी इधर आपकी होती हैं और इनसे दो ट्यूब निकलती हैं ये यूरेटर्स होते हैं नीचे आपके यहाँ पर एक ऐसे की शेप में बना हुआ होता है ये यूरेटर आ, होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है और नीचे यहाँ पर ये पास होने के लिए होता है ये यूरे यूरेथ्रा होता है वॉट इजलम जाइलम क्या होता है द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिय इन द प्लांट इज कोल्ड द जाइलम जो प्लांट में वाटर को न्यूट्रिएंट्स को ले जाने वाले वस्कुलर टिश्यू होते हैं वो जाइलम कहलाते हैं विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट वो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो कि बॉडी के सारे पार्ट से ब्लड को हार्ट में लेके जाती हैं वो होती हैं वेंस वेंस आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट आर वेन्स वेन्स क्या होती हैं वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आप कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कह सकते हैं या डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कह सकते हैं ये पूरे बॉडी के पार्ट से हार्ट में लेके जाती है इस ब्लड को हाउ डू एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एक्सक्रीट देयर वेस्ट जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी कि वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं जैसे फिश है तो वो अपना वेस्ट कैसे एक्सक्रीट करती है यानी कि बॉडी से बाहर कैसे फेंकती हैं निकालती हैं एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश इज एक्सक्रीट सेल वेस्ट वो सेल वेस्ट निकालती हैं जिसमें अमोनिया ज़्यादा होता है आदमी वाले में यूरिया होता है और इस वाले में अमोनिया होता है विच डायरेक्टली इन वाटर जो कि वाटर में घुल जाता है हाउ डू बर्ड्स लिजर्ड लिजर्ड्स स्नैक्स एक्सक्रीट देअर वेस्ट जो बर्ड्स हैं लीजर्स हैं स्नैक्स हैं वो अपना वेस्ट कैसे एक्सक्रीट करते हैं सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स लीजर्स स्नैक्स एक्सक्रीट इज सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड वो सेमी सॉलिड मतलब अब पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है और वाइट कलर का कंपाउंड होता है जिसमें यूरिक एसिड होता है वो ये निकालते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस होते इंपॉर्टेंस और पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ हार्ट मैंने आपको बताया कि नीचे वाले में ये फोर चैम्बर्स होते हैं तो ये पार्टीशन बना हुआ होता है इनमें इनकी इम्पोर्टेंस क्या है द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है आदमी के लिए बहुत डेंजरस होती है तो अलग अलग चैम्बर्स हैं बिल्कुल सेपरेट इनमें पार्टीशन है ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से ना मिक्स हो जाए हाउ डज स्वेट हेल्प कीप यू कूल स्वेट से यानी कि पसीने से आप कूल cool कैसे रहते हैं स्वेटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कूलिंग द बॉडी स्वेटिंग बॉडी को कूल cool रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाई अलाउंग वाटर टू एवॉपरेट ऑफ द स्किन स्किन पे से जो पसीना होता है जो वाटर होता है वो एवापरेट होता है रिजल्टिंग इन ए लॉस ऑफ बॉडी हीट जिससे कि बॉडी की हीट का लॉस होता है और आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है भूल आप फील करते हैं पसीने के बाद वाई इज इट नेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने की जरूरी है वेन आवर सेल्फ परफॉर्म द फंक्शन जो हमारे सेल्स अपना काम करते हैं सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज तो उनसे वेस्ट भी निकलता है दीज आर टॉक्सिक ये जहरीले होते हैं टॉक्सिक होते हैं हैज़ नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी इसलिए बॉडी से इन्हें बाहर निकालने की जरूरत है अगर आपको यूरिन ना आए काफ़ी देर तक और आप एक दो दिन ना जाए पोटी तो आपको पेट में दर्द होने लगता है क्यों होता है ऐसा वो इसलिए होता है क्योंकि जो टॉक्सिक होते हैं ये वेस्ट और ये फिर और ज़्यादा आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं डेफ्रिशिएट का मतलब डिफरेंस बताइए बिटवीन ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑट्रियम, द अपर टू अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर और कॉल्ड ऑट्रिया एक को ऑट्रियम कहते हैं जो चार पार्ट्स होते हैं ना तो ऊपर वाले जो हैं ये ऑट्रिया हैं नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं एक को कहेंगे ऑट्रियम और जब दो की बात होगी तो ऑट्रिया बन जाएगा वेंट्रिकल टू लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कोल्ड वेंट्रिकल्स ये जो नीचे वाले हैं ऐसे याद रखिए ए पहले आता है वी बाद में आता है तो इसलिए आपको याद रहेगा कि ऑट्रिया ऊपर होता है वेंट्रिकल नीचे होते हैं वॉट इज फंक्शन ऑफ जायलम जायलम का फंक्शन क्या होता है जायलम फॉर्म्स ए कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स जो जाइलम होता है वो चैनल्स का एक नॉट नेटवर्क तैयार करता है दैट कनेक्ट रूट टू द लीव्स जिससे कि रूट्स लिव से कनेक्ट होती हैं थ्रू द स्टेम स्टेम और ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट इस प्रकार से वो पूरे ही प्लांट को वाटर सप्लाई करता है वॉट इज हार्ट बीट हार्ट बीट क्या होती है द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ मशल्स जो चैंबर की जो हार्ट के चैम्बर हैं फोर अभी जो मैंने आपको बताया उनकी वॉल्स मशल से बनी हुई होती हैं हार्ट ही पूरा मशल का होता है दीन मशल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होती है सिकुड़ती हैं फिर रिलैक्स करती हैं फिर सिकुड़ती हैं फिर रिलैक्स होती हैं दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन पहले कॉन्ट्रैक्शन का होगा, होगा फिर रिलैक्सेशन होगा तो इससे ही हार्ट बीट बनती है वॉट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी किडनीज़ का मेन फंक्शन क्या है द किडनीज परफॉर्म द इशेंशियल फंक्शन ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड हमारे ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन सबको दूर करने का काम केवल किडनी करती है ये जैसे मम्मी चाय बनाती है छानती हैं तो छलने का काम करती हैं ये जो 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 आपको चाय पीनी होती है वो नीचे आ जाती है जो वेस्ट होता है वो मम्मी उसमें डाल देती हैं डस्टबिन uh, में तो ऐसे ही किडनी करती हैं ब्लड को छानती हैं वेस्ट को बाहर निकालती हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और प्रोड्यूस यूरिन यूरिन फिर प्रोड्यूस होता है कंपोज्ड ऑफ वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूड जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूड होता है वो भी निकल जाता है यूरिन के रूप में इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द वाटर फ्रूड लेवर इससे हमारी बॉडी में वाटर का फ्लूड लेवल मेंटेन रहता है मान लो आपने बहुत सारा बहुत सारा पानी पी लिया तो सुना आप मोटे 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 हो जाओगे जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है यो में लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए शेयर करिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी और दूसरी वीडियो के लिए वेट करिए मैं जल्द ही उसको भी अपलोड करूँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो